हे गाइज, ऑलराइट। सो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके अपनी फोटो को कुछ इस टाइप का कैसे एडिट कर सकते हो। गाइज, ये वाला एडिटिंग करना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे गैलरी के अंदर हमने गाइज इस फोटो को ओपन कर लिया है। अब गाइज, इस फोटो को सबसे पहले हम शेयर करके यहाँ से ओपन करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। देन आपको पिक्सआर्ट ऐप के अंदर जाना है। सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप के अंदर जाना है एंड यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ट्यून इमेज के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको एम्बियंस को बढ़ा देना है लगभग इतना, एंड यहाँ पे हाइलाइट्स को कम करना है, शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कर्व्स के अंदर जाना है, देन यहाँ से नीचे से आपको थोड़ा सा कम कर देना है लगभग इतना। ठीक है, देन यहाँ से डन करना है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ सेलेक्टिव का एक ऑप्शन है, आपको सेलेक्टिव पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपने फेस को, मतलब पूरे बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड इस तरीके से सैचुरेशन को कम करना है, स्ट्रक्चर को भी कम करना है एंड ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। ठीक है, सेम यही काम आपको फेस पे भी करना है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को डिक्रीज करना है एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज करना है। यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको पोर्ट्रेट का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना है एंड कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ से स्मूथ टू को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे स्किन स्मूथिंग को लगभग यहाँ पे 40 का राउंड आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 42 रख लिए। देन यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, आई क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो फोटो के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज आ गया है। अब आपको इस फोटो को सिंपली शेयर करके ओपन कर लेना होगा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। ठीक है, तो गाइज मेरे पास ये रहा पिक्सआर्ट ऐप, मैं इसके अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आ जाने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको टूल्स पे क्लिक करना है, रिसाइज पे क्लिक करना है एंड इसको रिसाइज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइज करने के लिए हम इसकी अमाउंट यहाँ पे 6000 डाल देते हैं। 6000 डालने के बाद यहाँ पे 2590 डालने के लिए ये, मतलब यहाँ पे बोल रहा है 2590, सिंपली यहाँ से आप इसको डन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो कि फोटो तो रिसाइज हो गई। ये करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी फोटो की क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपको गाइज यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स के अंदर। देन यहाँ पे आपको आना है यहाँ कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर। कलर्स के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको कलर स्प्लैश पे क्लिक करना है एंड ये आपको एक प्लस का आइकॉन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे इसको लाना है एंड अपनी आपको फेस पे रख देना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको मिन ह्यू को इंक्रीज कर देना है एंड यहाँ पे अभी आप देख पाओगे कि फोटो कुछ इस टाइप से, आप देख पा रहे हो पूरा ही डार्क कलर टोन आपको मिल जाएगा आपकी पूरे बैकग्राउंड में एंड आपकी फेस पे कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। अब आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है आपको कर्व्स के अंदर, देन यहाँ पे आपको नीचे से यहाँ से भी थोड़ा सा जो है कम कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कम कर लेते हैं गाइज लगभग इतना, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं करना आपको, इतना कम कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली डन कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि फोटो कितनी मतलब मस्त यहाँ पे खूबसूरत दिखने लगी है। अब आपको गाइस यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर जाना है। अब बस एक काम आपको करना है, बैकग्राउंड में ब्लर डालना है, तो ब्लर पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्लर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इस पेंसिल वाले मतलब आइकॉन पे क्लिक करना है, इरेजर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक से ही आपके पूरे बैकग्राउंड में ब्लर लगा देगा। आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया है। यहाँ पे अब आपको इरेजर लेना है एंड आपको कुछ इस तरीके से जो जो पार्ट आपको लग रहा है कि इसको ब्लर नहीं करना, मतलब नहीं करना है, तो उसे आप ऐसे हटा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ओवरऑल इतना कर दिए, यहाँ से डन करेंगे, यहाँ से इसकी फेड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे होगा इसकी फ़ोटो कितना यहाँ पे मस्त एडिट हो गया है, मतलब लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लर डाले हैं, पहले से ब्लर है इतना। सो गाइज इस फोटो को अब हम सिंपली शेयर कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर, तो ड्रॉ टूल के अंदर जाकर इस फोटो को गाइज हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से जाना है, यहाँ से थ्री डॉट की आइकॉन पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है।
सो गाइज काफ़ी इजी था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिए। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।